सातवें चरण के विधानसभा चुनाव के मतदान के अगले दिन शाम को एक किशोर का शव बरामद होने से सनसनी फैल गया। अब एक बार फिर सुनिए, सातवें चरण के विधानसभा चुनाव के मतदान के अगले दिन शाम को एक किशोर का शव बरामद होने से सनसनी फैल गया। यह घटना कुशमंडी ब्लॉक के कालिका मोर ग्राम पंचायत इलाके के पोटोन इलाके में सामने आया है। पता चला है कि रविवार सुबह स्थानीय निवासियों ने टांगोन नदी के किनारे बिप्लव दास का शव देखा। मृत बिप्लव दास उस इलाके में ईंट के भट्टी में काम करता था। यह घटना सामने आते ही पूरे इलाके में उत्तेजना का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कुशमंडी थाने की पुलिस। वहीं पुलिस स्थिति को नियंत्रण में लाती है और शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं मृत किशोर के पिता मिहिर दास ने कहा कि बीते रात से बिप्लव दास लापता थे। पूरे रात खोजबीन करने के बावजूद भी उनका कोई पता नहीं चला। आज सुबह फोन के जरिए उन्हें पता चला कि उनके बेटे का शव बरामद हुआ है। वहीं उन्होंने पूरे घटना की जांच करके दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। चुनाव के पूर्व संध्या पर इस किशोर का शव बरामद होने से पूरे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। आवाज नहीं आया नहीं खिस्ते खिस्ते तब भरोसा लेकिन नहीं गलम खिस्ते खिस्ते डक जैसे देखी नहीं। अच्छा कौन जानते भरे जन बेटा दिखते यार है अगुन सकाल वाला जानते वाला। अच्छा रात वाला कुछ अब की कर अपने ओन की चाहिए छेन शास्ती चाहिए এটা আমার সংসার চালাই এই ছেলের জন্য আমরা একটু এখন ভালো আছি আর বাবা তো অসুখের ন এখন ওই ছেলে ছেলে কে তার বাড়ি ঘরে বড় করে ভিড় আর অসাধারণ